तुमने मुझे देख के ये बनाया है? बीबी इसके पैर ऐसे कैसे? ये पैर है कि इसने पिछवाड़े के नीचे तलवारें दबाई हुई हैं? ये लग रहा है तलवारों पे खड़ा है, देखो तो सही। अरे गिर जा मेरी घड़ी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। समहाना को देख के लग रहा होगा कि नींद में भी इतना मेकअप कैसे किया हुआ है उसने। मैं अपना योगा कर चुकी हूँ, उसके बाद तैयार हुई हूँ, मेकअप किया थोड़ा बहुत और क्या, सो गई हूँ, उसके बाद लेटी हूँ। मेरे हाथ में भी चोट लगी हुई है ना, कल कल जोश जोश में 40 सूर्य नमस्कार कर दिए तो हाथ की हड्डी चटक गई, पता है कड़क की आवाज आई थी, कड़क। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग होने वाला है वो इस बारे में होने वाला है कि मैंने बहुत पहले संभावना के अंदर एक टैलेंट देखा था जो अचानक से मुझे लॉकडाउन में याद आ गया टैलेंट, और मुझे लगा इस चीज पे व्लॉग बनाना बहुत जरूरी क्योंकि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आप जिस यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो वो कितना टैलेंटेड है। तो उसके लिए हम लोग आज करने जा रहे हैं एक छोटा सा ड्रॉइंग चैलेंज। हम दोनों एक दूसरे को एक एक वर्ड देंगे जिसकी ड्रॉइंग बनानी होगी सिर्फ 60 सेकंड्स में, और हम लोग ये डिसाइड करेंगे किसने अच्छा बनाया है। मेरे हाथ में ना गलती से एक दिन सफाई करते हुए इसकी मार्कशीट लग गई थी, उसमें ड्राइंग के आगे मार्क्स लिखे हुए थे और 0 लिखा था, तो ये कहती इसके पहले जो 1 था ना वो मिट गया है। मुझे पागल बना रही थी, वो 0 ही था। आज दुनिया भी देखेगी कि मेरी ड्राइंग कैसी है बेबी। तो फिर शुरू करें? हाँ, मेरे थोड़ा हाथ में लगी है, अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए ना तो मेरे को माफ कर देना, मैं लेफ्टी हूँ ना, और कलर होते ना तो मैं बेबी मेरे को कलर वालर चाहिए थे साथ में। कलर? हाँ, कलर लाके दो ना, दुकानें खुलती है तो। मेरे बहुत दिल है बेबी पेंटिंग करने का। तो दोस्तों आप लोग तैयार हो देखने के लिए हमारा ड्राइंग चैलेंज? तैयार हो? तैयार हो ना, आ जाओ। आज मेरा छोना मम्मी की ड्राइंग देखेगा। चल रेडी? रेडी। छोना रेडी? चलो। 60 सेकंड? हाँ, ये तो टाइम बहुत कम है बेबी। फिर चैलेंज तो तभी होगा ना। पट्टी खोल देते हैं फिर मैं आराम से तुम्हें बताती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। हड्डी तो टूटी ना? नहीं नहीं, हड्डी नहीं टूटी। देखो नहीं, हड्डी टूटती तो तुम्हारा हाथ थोड़ी टूटता बेबी। तुम्हारे पास हैं 100 सेकंड्स, 100 सेकंड में तुमको बनाना है खरगोश। ये तो आदमी का बच्चा बन रहा है। नहीं नहीं, देखो खरगोश का मुंह आदमी जैसा कैसे हो गया? खरगोश के तो दांत भी होते हैं ना। अरे तो सूंड है। नहीं 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 नहीं, टाइम नहीं है, जल्दी रुको ना, ऐसे थोड़ी होता है बेबी। ये लग रहा है खरगोश ने केचू को जन्म दिया है। रुको ना बेबी। बेबी इसकी नाक से क्या निकल रहा है खरगोश की? खरगोश के दांत होते हैं ना वो छोटे छोटे। मुंह बनाना है, पूरा बनाना है? पूरा बनाना है, पूरा खरगोश, पूरी बॉडी बेबी। रुको ना, रुको बेबी, टाइम तुम्हारा आप हो चुका है पता है तुम्हें। बीबी लग रहा है खरगोश ने पॉटी कर दी। अरे पीछे क्या जोड़ा है खरगोश की? पूछ है ना उसकी। बीबी मेरे का ऐसा मुंह मत करो ना, खरगोश के तो बाल भी तो होते हैं। बीबी क्या है खरगोश? और इसकी नाक से क्या निकल रहा है? दांत है ना उसके? नाक से दांत निकल रहे हैं? नाक के अंदर से? नहीं अंदर है वो, मुंह के अंदर है। अच्छा, मतलब जिसको समझ में ना आए देख के वो पढ़ ले कि खरगोश है ये। अच्छा नहीं बना सच बताओ। भाई तुम एक बार खुद देखो जरा इसको, इसमें देखो ना आदमी का मुंह, बच्चे नहीं 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 नहीं, कान देखो बकरी के। मैं मेरे को थोड़ा सा ना वो दे दो, तुम एक बार फोटो दिखा दो, फोटो दिखा के मैं सही बना लूंगी। तुमने खरगोश नहीं देखा कभी? मतलब मैं थोड़ा सा वो रहा है, मुझे क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि खरगोश कैसा दिखता है, मतलब आंखों में है लेकिन अगर पिक्चर आ जाएगी ना सामने तो मैं सही बना दूंगी। कैसा लगा बेबी? नंबर दो मुझे। कितने में से देगी चाहिए मुझे? 10 में से दो नंबर। ये रहे मेरे बेबी के 10 में से नंबर। बेबी अगर ये करना तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा। अरे दादा हम लोगों को ड्राइंग दिखाएंगे अपने अपने। तो दिखा दी ना, अगर इसके बगल से तुम खरगोश मिटा दो, मतलब लिखा भी रहने दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेकार की बात मत करो, तुम बनाओ। केंदू अच्छा नहीं था छूना खरगोश? तुम बनाओगे? मुझे सोचा नहीं जा रहा क्या बताऊं क्या बताऊं। तुम आइडिया दो ना मेरे को थोड़ा। मैं क्यों आइडिया दूं? सांड, सांड सांड बनाओ। हाँ हाथ से तो तुम्हारे भी कुछ गड़बड़ी दिखा है मुझे भाई। ओ बेबी, बेबी तुम तो यार सही बना गए। हाँ बेबी, मुंह भी वैसे ही बनाया तुमने। शिट बेबी, मैं तो हार गई। लेकिन ये कॉम्पिटिशन थोड़ी था। नहीं नहीं नहीं, ये कंपटीशन नहीं है, मैं नहीं मानती। बना लेते हो बेबी तुम है? आगे मेन तो आ गया ना, बॉडी में गड़बड़ हो जाती है ना। आप पकड़े गए ना, मैं भी तो बॉडी नहीं निकाल पा रही थी। तुमने मुंह निकाला था? हाँ। क्या सांड का कुब्बड़ निकल आया है? अरे सही निकाल रहे हो बेबी तुम है? बैठा हुआ सांड है क्या ये? हाँ। मुझे तो खड़ा हुआ चाहिए था। अब मैंने बना दिया था खड़ा हुआ चाहिए।
ये क्या बात हुई? तुम तो भी बड़ी जलन की शिकार हो, जो बच्चे जलन के शिकार होते हैं ना। हाँ, बच्चों के ना पता रबड़ पेंसिल चुरा लेती थी। और तुम्हारा जो इतना टाइम लग गया है, टाइम अप। ओ, पतला क्यों हो गया है? यहाँ से खाना नहीं मिला था क्या? कहाँ से? सांड को खाना नहीं मिला क्या यहाँ से? डाइट पे था क्या सांड? नहीं, अब सांड के गले में हम बांधेंगे घंटी भी, ठीक है? तुम्हारे लिए भी एक खरीद के लाई हूँ मैं। बेबी, सांड आंखों से कमजोर है क्या? और ऐसा लग रहा है सांड ने ऐनक यहाँ पे पहनी हुई है। ऐनक नहीं है, नाक है उसकी वो। मैं देती। बेबी कितना अच्छा सांड बनाया है मैंने, नंबर दो मेरे को, चलो जल्दी। मैं दूंगी तुम्हें 10 में से। यहाँ से खराब किया ना, यहाँ से खराब किया। और इसके पैर भी ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है पैर में चोट लगी है, पट्टियां बंधी है और आंखें बराबर नहीं है। तो मैं दूंगी तुम्हें 10 में से 6। बेबी, ये 10 में से 6 वाला सांड है? ठीक है, अभी तुम्हारा टाइम। तो बेबी अब तुम बनाओ। क्या बना? तुम बनाओ एक औरत जो मटका लेके आ रही है पानी भर के कुएं से, और कुआं भी दिखे। अरे तुम औरत तो बना दो, कुआं भी दिखे, आई बड़ी। औरत होनी चाहिए राजस्थानी। ये तुम्हारी हर पेंटिंग के गोले से क्यों शुरू होती है? मतलब कि पहले बता देते मेरी पेंटिंग जीरो है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। इजी बना दे तो कुछ भी। ठीक है, कोरोना वायरस बनाओ। फिर ये भी गोले से शुरू? कोरोना वायरस सूरज की किरणों से निकला है क्या? है? नहीं, रुको ना, मेरे को बनाने दो। ये सब न्यूज चैनल में से देख के बना रही हो ना? शिट यार, कोरोना वायरस रो भी रहा है। रो रहा है ना, क्योंकि इसको हम भगाएंगे ना। अब इंडिया में आया तो इसको बिंदी भी लगा देते हैं। नंबर दो। कितना एक्सपेक्ट कर रही हो तुम? मैं कम से कम 9। कम दिए ना आप तो देख लेना। नहीं, मैं हाथ ही बैठा ना, मेरी चोट लगी हुई है, वरना मैं अच्छा बना देती हूँ। ये लो तुम्हारे नंबर। कितने दिए? 3। बेबी इसको 8 करो। क्यों? मैं नहीं मानती इसको। अरे कोरोना वायरस ऐसे दिखता है, न्यूज चैनल में ऐसे दिखाया करो ना, उड़ता हुआ नहीं आता ऐसे से करता हुआ। और न्यूज चैनल वाले को किसने दिखाया? मेरे को नहीं पता, मैं नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे चीटिंग कर रहे हो बेबी, ऐसा मत करो ना, 3 नंबर का थोड़ी बनाया है मैंने यार। 5 तो दे दो। चलो ठीक है, अभी तुमने पहले वाले भी तो मेरे को कुछ दिया ही नहीं जानबूझ के। तो वो तो 0 ही था ना बेबी, वो तो लगा ही नहीं करे, मुझे थोड़ा तो लगना चाहिए। बेबी इसकी फोटो लेनी थी यार मुझे, है मेरे को इंस्टाग्राम पे डालनी है ये फोटो। अपनी अपने टैलेंट को दिखाना चाहिए ना लोगों को। बेबी ये टैलेंट ना ही दिखाओ तो अच्छा है, पकड़ो। ऐसा थोड़ी ऊपर नीचे तो सबका हो जाता है यार। बेबी लेकिन तुम्हारा कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया ना। चलो अब तुम बनाओगे शेर। अब जानवर से ऊपर उठते है ना। ठीक है, तुम बनाओ मैं मुझे। जैसे तुम बैठी हो वैसे ही बनाओ। नहीं नहीं, जैसी मैं तुम्हारी नजरों में हूँ। बेबी फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब ठीक है बेबी, अब तुम बनाओ बंदर। बंदर? हाँ बंदर बनाओ। अरे बंदर बनाना तो मुश्किल है भाई। अच्छा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा ऊंट बनाओ। ऊंट बनाओ? हाँ, इस मुहावरे से याद आ गया मुझे। जब तक अविनाश बनाता है ऊंट, मैं बना के लाती हूँ कॉफी। कॉफी 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 कॉफी। पकड़ो जल्दी से मेरा ऊंट, देखो फटाफट। पहले ही रखो। ओ कैसा है ये ऊंट? यहाँ से बेबी वो डोनाल्ड डक क्यों लग रहा है? ऊंट की पूंछ तुमने ठीक बनाई है और ऊंट का कुबड़ तुमने सही बनाया है। हाँ। बाकी इज नॉट ऊंट। 10 में से 5। तो तुम्हारे कोरोना को तो मुझे कंसीडर भी नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम्हें 7 मिल जाते हैं। कितने ध्यान से हमारी पेंटिंग्स देख रही है ना वो देख रही है, मेरे माँ बाप कितने टैलेंटेड है। चलो तुम ये बनाओ कि एक आदमी जो है वो डॉग को वॉक पे लेके जा रहा है। मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, मुझे दो दो चीज दे देते हो। तुम टैलेंटेड ज्यादा हो ना इसलिए, यू एक्सेप्ट द चैलेंज। अच्छा कुत्ता कैंडी जैसा बनने वाला है क्या? ये कुत्ते का मुंह था क्या? ओह माय गॉड, बेबी कुत्ता बतख से पैदा हुआ है क्या? कोना बेटा, भी पूछ दिखा, पूछ दिखा। इस कुत्ते की 2 माँ थी, एक बतख और एक चूहा। बना तुम्हारा फेवरेट गोला ना, ये आदमी की गर्दन इतनी लंबी है। अरे आदमी भी प्रेग्नेंट है क्या? नहीं नहीं, छोटी गलत हो गया, मेरे को मैंने आदमी को फ्रॉक पहना दी। और इस आदमी की गर्दन इतनी लंबी क्यों है? छोटी करो। अरे तो खत्म ही हो गई, गर्दन ही नहीं है इसकी, जिंदा कैसे है ये बताओ ना बेबी, थोड़ा ऐसे क्या से बनाना है? आदमी नहीं देखा तुमने कभी? अरे मुझे देख क्यों बना रही हो क्या आदमी? डोले निकाल दे। ये डोले हैं बेबी? हैं? बेबी लग रहा है उसको हाथों पे पथरी हुई है। अरे ये क्या था? हाथ है ना उसके।
बेबी लग रहा है स्पाइडरमैन ने हाथ में से जाला छोड़ा मकड़ी का, कुत्ता लपेट लिया उसमें ऐसे छोड़ के ना। बेबी ये आदमी ने स्टील के कपड़े पहने ऐसे लग रहे लोहा पहन। बेबी इसकी जो हाथ है ना ये लग रहा है जो कुत्ते हड्डी खाते हैं ना वही, और कुत्ता इसका हाथ खा जाएगा अभी। और इसके पैर ऐसे बेल बॉटम की तरह क्यों है? अरे अरे शिट यार, बेबी इसके पैर ऐसे कैसे, ये पैर है कि इसने पिछवाड़े के नीचे तलवारें दबाई हुई हैं। ये लग रहा है तलवारों पे खड़ा है, देखो तो सही। क्या आई कांट, अरे गिर जा मेरी कड़ी। हाँ भाई मेरे पास कारा खराब हो गया। ये आदमी ऐसे क्यों खड़ा? ऐसे क्यों खड़ा है ये? बेबी तुमने मुझे देख के ये बनाया है? देखना पकड़ना जरा एक सेकंड। मेरे पैर ऐसे You can't see or you can't draw. खांसी लगती है। अच्छा ये शक्तिमान है? नहीं नहीं। फिर? उसका कॉलर है। और कॉलर के नीचे गोलियां लगी उसे? नहीं नहीं बटन है ना। अच्छा बेबी इसकी कमर पेट पुट्ठे कुछ नहीं है क्या? ऐसे जिंदा है ये? ये लो ना, तुम्हारी ऊपर की बॉडी थोड़ी चौड़ी है, पैर पतले है ना तुम्हारे, और अच्छा। पुट्ठे है नहीं। अब तुम बताओ कि इस पेंटिंग में मैं क्या ऐड करूं जिससे और निखर के आए? ये हंस रहा है, इसको दिखिए लड़की। हाँ तो ये एक वो आते ना स्माइल। हाँ स्माइलिंग शीपेसली। वो आ रहा है तो मैं लड़की ऐड कर दूं इसमें। हाँ तो जो लड़की है वो स्कूटी पे जा रही है इसके बगल से, ठीक है। हाँ तो पहले अपन बना देते हैं रास्ता, ठीक है। हाथ कहाँ है औरत के? हाथ छोड़ के चला रही है स्कूटी। स्टंट वूमन है क्या? इस औरत को कोई आदमी नहीं देखेगा बेबी। क्यों क्या हुआ? तो बेबी उड़ती हुई चुड़ैल दिख रही है। अच्छा इसको चश्मा पहना देता हूँ फिर। ये स्कूटी पे जा रही है, इसको लाइन मार रहा है। अब तुम इसमें क्या बनाओगी? तुम इसमें ये बना दो कि मैं इसे, धूप है बहुत। धूप? धूप है बहुत, क्योंकि तुम्हें सूरज बनाना सबसे आसान है ना। बेबी तुम कितनी चालू हो, सूरज बनाना सबसे आसान है इसलिए। सूरज देवता के दांत है, कोरोना वायरस और सूरज देवता में ज्यादा फर्क नहीं है। नेक्स्ट टाइम ना मैं कलर्स लेके आऊंगी और कलर्स के साथ पेंट करूंगी, तब आपको अच्छा लगेगा। तो लोगों को पहले ही पता है कि वो ब्लॉग नहीं देखना है। सो विद दिस वी एंड दिस ब्लॉग एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। इसमें तो तुम्हारा है 0% सन्नाटा, समझ लो तुम। मेरे को मिलेगा 7 तो है इस पे। अच्छा सूरज पे 10/10 है। अच्छा क्योंकि सूरज मतलब इस समय पीक पे था ना।